स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीणों के बीच किया वर्चुअल मीटिंग। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, सीडीएसपी सहित कई पदाधिकारी थे मौजूद। सबौर स्थित भीटी गांव में स्मार्ट मीटर लगने की आज से शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने घरों में मीटर लगते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, सीडीएसपी सहित जिले के कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद जहां बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात लगातार सामने आती थी, अब वह खत्म हो जाएगी। सरकार और विद्युत विभाग के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत आने वाले समय में पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। कार्यक्रम था स्मार्ट प्रीपेड था आज का कार्यक्रम, हर घर में लगाया जाएगा ये, जिससे दीदी लोग का बिजली का जो मतलब इनू टूट जाता है, जितना पैसा ज्यादा लग जाता है उसमें उन दीदी का बचत होगा। घर में लगने के बाद अब जितना उनके पास इनकम रहेगा उतना मतलब वो जलाएगी, उसके बाद वो बंद कर देगी जी। अभी जो नीतीश कुमार जी वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे, इसका क्या उद्देश्य था? हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लगना चाहिए, यही इनका उद्देश्य था। आपका क्या नाम हुआ? सावित्री देवी। घर? घर चंदेरी। विभाग से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं उससे संबंधित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। और ये भागलपुर जिले से जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर की, उसकी शुरुआत हुई है, तो यहाँ घर हाउस में कनेक्शन भी हुआ है घर में, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी VC के माध्यम से पटना से उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो है वो कनेक्शन किया गया है और पूरे इस कार्यक्रम की भागलपुर जिले में और एक तरह से राज्य में शुरुआत हुई है। ऊर्जा विभाग की पूरी टीम जो है वो प्रयत्नशील है और इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लग जाने से काफ़ी बिजली की भी बचत होगी और लोगों को भी सुविधा होगा, लोगों को पता होगा जो बिल की समस्या वगैरह होती थी ये सब दूर हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग मोबाइल अपना प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं तो हमको पता होता है कि मेरा कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से हम लोग अपना फिर यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी शुरुआत इस गाँव से हुई है पूरे राज्य में। तो मैं ऊर्जा विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले समय में पूरे जिले में इस योजना को कवर किया जाएगा।